एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी D718 ट्रांजिस्टर की। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड का है। और ये तीसरा कंपोनेंट है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यदि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे चार्जर में से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले में दिखाया गया है। इसके बाद चौथा कंपोनेंट है ये ब्लूटूथ पैनल। तो चलिए इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 4 पॉइंट है, जिसमें से जल्दी से एक बार जूम कर लेता हूँ मैं। इसमें 4 पॉइंट है, LO ये लेफ्ट साइड स्पीकर का, AO ये स्पीकर के ग्राउंड का है, और ये RO है ये राइट साइड वाले स्पीकर का है। ये ANT लग रहा है, ये एंटीना वायर का है, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक हीट सिंक लेंगे और इसमें अपने ट्रांजिस्टर को जल्दी से फिट कर देंगे। हम हीट सिंक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जब ट्रांजिस्टर हीट होगा तो ये इसकी हीट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगी और हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम 1 किलो ओम के रजिस्टर को इसकी फर्स्ट और सेकंड लेग पर सोल्डर कर देते हैं। अब हम कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग को ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग पर सोल्डर कर देते हैं। जो कैपेसिटर की साइड में पट्टी बनी हुई है ये नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब हम बैटरी के नेगेटिव वायर को ट्रांजिस्टर के तीसरी पिन पर सोल्डर कर देते हैं और इसके बाद हम स्पीकर के आउटपुट के लिए एक वायर जो इसको सेकेंड पिन पर हम सोल्डर कर देते हैं। सोल्डर करने के बाद हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लेंगे और इसके वायर को जल्दी से हम कनेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये चिप को फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद इसमें जो फर्स्ट वायर है ये लेफ्ट स्पीकर का है और बीच में ये ग्राउंड है। हम इन दोनों ही वायरों का कनेक्शन करेंगे तीसरे। अब हम स्पीकर के लेफ्ट साइड वायर को कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर हम सोल्डर कर देते हैं और जो पैनल में ग्राउंड वायर था उसको हम ट्रांजिस्टर के तीसरी पिन पर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक स्पीकर लेते हैं। इसमें 6 इंची का स्पीकर हम अच्छे से चला पाएंगे। मेरे पास 6 इंची का स्पीकर नहीं था तो मैंने 10 इंची का स्पीकर ले लिया। आप 6 इंची का ही स्पीकर लें, उसमें आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब जो स्पीकर का नेगेटिव वायर है हम इसको इस येलो वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यदि आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप 12 वोल्ट के चार्जर का भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव वायर है ये पॉजिटिव है और हम इसे स्पीकर के पॉजिटिव वायर में कनेक्ट कर देते हैं। और जो ट्रांसफार्मर का नेगेटिव वायर है इसे ट्रांजिस्टर के नेगेटिव वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम ब्लूटूथ पैनल में सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट की बैटरी लेंगे और इसमें सप्लाई देंगे, क्योंकि ये पैनल 5 वोल्ट पर ही वर्क करता है। यदि हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Thank you.
Thank you.